ऐसा मान के मत आइए कि आप यहाँ पे आ गए मास्टर्स कम, कंप्लीट कर दिए तो जॉब मिल जाएगा यू हैव टू मतलब उतना एफर्ट और जॉब मतलब जॉब सर्चिंग इज इट्स सेल्फ जॉब तो आपको कि uh, मैंने कुछ गलती किया था ऑब्वियसली मैंने कुछ गलती किया होगा लेकिन या uh, उस टाइम पे कोविड चल रहा था तो उसके वजह से भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था तो आई एम नॉट श्योर लाइक व्हाट व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बट यस मुझे आई आई लाइक सिक्स और सेवन मंथ मतलब हेलो एवरी वन अः अभी सबका स्वागत है ये चैनल में संबित पी एच डी चैनल में आपने देखा होगा कि मैं हमेशा अंग्रेजी में वीडियो बनाता हूँ बट आज आपका पॉपुलर डिमांड आ रहा है की हिंदी में वीडियो बनाई तो इसीलिए अभी हिंदी में वीडियो बनाएंगे आप देख सकते हैं मेरे पास एक गेस्ट है अपने टाइम दे के आए उनका नाम है अभिजीत बेहरा वो मास्टर्स किए थे नेदरलैंड्स में इंडिया में उन्होंने बैचलर्स किया फिर आके अभी स्वीडन में पीएचडी कर रहे हैं ऑलमोस्ट आधा होने वाला है पीएचडी वो आगे आगे हम बात करेंगे तो ये पहला वीडियो टॉपिक रहेगा उनका एक्सपीरियंस नेदरलैंड्स में कैसा था वो कैसे पढ़े थे जॉब सैलरी और क्या एक्सपीरियंस रहता है पूरा ओवरऑल नेदरलैंड्स में दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि उनका पीएचडी कैसे चल रहा है स्वीडन में जो अभी हाल ही में उन्होंने शुरू किया है ये हंसी के लिए माफी चाहते थर्ड वीडियो में ये एक्चुअली हम लोग जब बात करते हैं तो हमारे मतलब कोई संकोच या कुछ रहता नहीं है तो इसलिए हम बहुत <laughs> तीसरा वीडियो जो है तीसरा वीडियो कॉस्ट ऑफ लिविंग पे है कितना खर्चा हो रहा है आजकल तो आपको पता है यूरोप में गैस एनर्जी प्राइस काफी बढ़ा हुआ है तो ये एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप स्वीडन आएंगे फ्यूचर में देन क्या कितना खर्चा हो सकता है आपने देखा होगा मेरे चैनल में इंग्लिश में ऑलरेडी है नेदरलैंड्स और बाकी कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है और चौथा वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा चौथे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मतलब ओवरऑल कंपैरिजन उनका एक्सपीरियंस की तीनों कंट्री में पढ़ने का एक्सपीरियंस बैचलर्स इंडिया में पीएच मास्टर्स नेदरलैंड्स में पीएचडी स्वीडन में तो ओवरऑल मतलब तो, एक शॉर्ट बैकग्राउंड में दे रहा हूं फिर अभिजीत को दे दूंगा वो बात करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में तो अभिजीत ने टीयू एंडोवन में जो दो साल का मास्टर्स डिग्री होता है उन्होंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है और पहले सवाल से ही स्टार्ट करते हैं फिर अभिजीत बताएंगे तो अभिजीत आप पहले बहुत ही मतलब ब्रीफली बता बताइए कि आपका मतलब कैसा रहा इंडिया में बैचलर्स करने के बाद किस फील्ड में किया था और क्यों आने का सोचा नेदरलैंड्स और कैसा रहा आपका सफर नेदरलैंड्स आने का इन शॉर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। मेरा बैकग्राउंड जैसे आपने बताया बैचलर्स uh, मेरा uh, इंडिया में हुआ था एंड बैचलर्स मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया था इंडिया में एन आई टी राहुल किला से Uh, 2014 18 बैच का एंड देन आई टू फॉर मास्टर्स इन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी बैचलर्स जो था वो मैकेनिकल में पूरा था एंड जब मैं मास्टर्स किया वो ऑटोमोटिव में था तो लोग सोचते हैं कि मैकेनिकल ऑटोमोटिव बहुत रिलेटेड है एंड एक्चुअली वो है रिलेटेड लेकिन ऑटोमोटिव में इतना सारा पार्ट्स है कि ऐसा बता पाना डिफिकल्ट होता है कि एक्चुअली कितना रिलेशन हो सकता है तो मेरे बैचलर्स में जो था मोस्टली मैकेनिकल uh, में जैसे इंडिया में रहता है फ्लूड मैकेनिक्स के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस था लेकिन मैं जब मास्टर्स किया यहाँ पे आके लाइक डिवाइन में वहाँ पे फ्लूड मैकेनिक्स मेरा एम्फोसिस नहीं रहा मेरा रोबोटिक्स uh, साइड में थोड़ा एम्फोसिस था लाइक डायनामिक्स एंड कंट्रोल्स साइड में जो रोबोटिक्स के साइड में थोड़ा आ, रहता है एंड uh, इंडिया में ये सब चीज पढ़ना चाहते हो तो वो इलेक्ट्रिकल में आ जाता है तो मेरा मैकेनिकल जो बैकग्राउंड है वो काम में आया बट uh, इतना इतना काम में नहीं आया जितना मैं सोच रहा था आएगा क्योंकि वहां पे स्ट्रीम चेंज हो गया मैकेनिकल के अंदर ओके okay. तो आपको मतलब इंटरेस्ट था रोबोटिक्स पे रोबोटिक्स के लिए मतलब आप, आपका फोकस focus...

और वो व्हीक्युलर मतलब व्हीकल डायनामिक्स का भी बेस रहता है तो आ, मेरा इंटरेस्ट था व्हीकल डायनामिक्स में तो मुझे डायनामिक्स एंड कंट्रोल स्ट्रीम चाहिए था एंड डायनामिक्स एंड कंट्रोल स्ट्रीम्स रिलेटेड टू तो ऑटोमोटिव चाहिए था तो इसलिए मैंने ऑटोमोटिव लिया और ऑटोमोटिव में स्पेशलाइज्ड डायनामिक्स एंड कंट्रोल लिया ओके ठीक है तो आप मतलब

तो जब ये डिसाइड हो गया ना तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में से कट गए क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक हो गया तो मैंने यूके uh, में अप्लाई किया था कॉलेज कॉलेज ऑफ लंडन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स देन नेदरलैंड में चार्लमर्स के टी एच एंड देवरलैंड में ई पी एफ एल अप्लाई किया था यूएस में मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था क्योंकि uh, Uh, मुझे तब मन नहीं था यूएस जाने के लिए uh, बट uh, हाँ यूरोप में मैंने ये सब अप्लाई किया था बट अगर देखा जाए एंड मुझे बहुत सारा यहां बहुत सारा से एक्सेप्टेंस आया सारे रिजेक्शन भी आया जैसे ट्यूडेल्व में मुझे बोला गया था कि uh, मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैच नहीं करता है वेहीकल ट्यू डेल्व में मैंने व्हीकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई किया था जो अभी क्लोज्ड हो चुका है अभी और खुला नहीं है आई थिंक I think they have closed that program completely. उसके बदले वो कुछ नया start कर रहे हैं I'm not sure, but you have to check about that. तो मेरा वो रिजेक्शन हो गया था कि मेरा मैच नहीं हुआ स्वीडन में जो दो यूनिवर्सिटी था के टी एच और चार्लमर्स तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम प्री रिक्विट मैच नहीं करते हो क्योंकि जैसे मैं बोला मैंने स्ट्रीम चेंज किया था फ्लूड मैकेनिक्स में मेरा था स्पेशलाइजेशन मतलब मेटेरियल साइंस ये सब में स्पेशलाइजेशन था सो आई टू टू चेंज फील्ड कंट्रोल एंड उसके लिए बैकग्राउंड ऑन जो मेरे मेरे पास नहीं था तो वहां से रिजेक्शन आया तो मुझे एक्सेप्टेंस आया था इंडो मेन से

ठीक है मेन बात जो सब पूछते हैं कि स्कॉलरशिप्स ये प्रोग्राम में मिलता है कि नहीं तो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज क्या है उसमें आप क्या बताना चाहेंगे क्या एक्सपीरियंस है आई थिंक यहाँ पे डिफरेंट uh, कॉलेजेस का पहला बात खुद का स्कॉलरशिप होता है जैसे आइंडोवेन का एएलएसपी स्कॉलरशिप होता है उसका फुल फॉर्म मुझे अभी याद नहीं है एमएंडस लोन्स वो रहता है कुछ मुझे जो याद नहीं है एंड देते um, uh, uh, जाता है एंड उसका सिलेक्शन प्रोसीजर तीन स्टेप के थ्रू जाता है uh, जैसे रहता है uh, पहला स्टेप आप अपना अप्लीकेशन बिफोर टाइम अप्लाई करना पड़ता है एंड देव एयरल क्वेश्चन तो ऐसा तीन स्टेप्स में फॉलो होता है एंड एटलीस्ट uh, uh, वो मेरे टाइम पर था

बाकी जो स्कॉलरशिप रहता है लाइक यूके में कोई अप्लाई करता है तो उनका रहता है बट नेदरलैंड्स में जितना है वो इतना ही तो मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था फॉर एग्जांपल कि आपका मतलब जो बोलते हैं यूरोपियन क्रेडिट सिस्टम होता है 120 ट्वेंटी करना होता है फिर आपका इंटर्नशिप होता है मे बी कम्पल्सरी या ऑप्शनल ग्रेडिंग टीचिंग एक्सपीरियंस और काम करने का तरीका पढ़ाने का तरीका ग्रुप्स मेंटरशिप मतलब ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है ये सारे फैक्टर्स मतलब अगर एजुकेशनल एक्सपीरियंस देखा जाए तो बहुत ही अच्छा था मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि मैंने फील्ड चेंज किया था तो ऑलमोस्ट मेनी थिंग्स वर न्यू टू मी लाइक ऑफ द थिंग्स एटलीस्ट एजुकेशनल में हाँ टीचर्स अच्छे थे तो अच्छे थे मतलब बहुत ही अच्छे थे दे uh, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे तो आई गेट टू नो मेनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बहुत अच्छा लगता है आई थिंक ये मेरे लिए एक्चुअली एक चेंज ओवर था कि जब इंडिया में कुछ हम लोग करते हैं लाइक ग्रुप रिलेटेड टास्क करते हैं Uh, तो वहाँ पे ग्रुप में सबका इन्वॉल्वमेंट कभी कभी उतना नहीं होता है जितना आप सोचते हो कि रह, रहना चाहिए यहाँ पे ग्रुप इन्वॉल्वमेंट में देखते हैं कि सबका इन्वॉल्वमेंट सिमिलर रहता है एंड डाइवर्स ग्रुप रहता है इट्स जस्ट नॉट फ्रॉम लाइक सिंगल कंट्री इनफैक्ट मेरे बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स अलग अलग कंट्री से थे लाइक इटली ग्रीस तो इन दैट वे यू गेट टू लर्न मोर So, तो वो एक ग्रुप स्टडी का फीलिंग आता है गेट लर्न मोर दूसरा आप आई थिंक uh, पूछे थिंकेंट से क्या रहता है टीचिंग असिस्टेंट uh, उसमें भी लाइक वो दैट कंप्लीटली सब्जेक्टिव लाइक अगर आपका ग्रेड अच्छा रहता है कोर्सेज में देन यू कैन एक्चुअली गेट टीचिंग असिस्टेंट फॉर दो सब्जेक्ट्स एंड ये भी हाँ लाइक like, uh,

तीन सब्जेक्ट रहता है इंडिविजुअली आई मीन अप्रोक्सीमेटली वन सब्जेक्ट का पांच क्रेडिट रहता है तो फिफ्टीन क्रेडिट्स आपको कंप्लीट करना होता है एक क्वार्टर में तो ऑलमोस्ट uh, आपका फोर्टी आवर्स इन्वॉल्व हो जाता है मोर देन फोर्टी आवर्स इन्वॉल्व होता है पर वीक

कैसे टाइप का ग्रेडिंग है यूनिवर्सिटी में आपके प्रोग्राम में uh, ग्रेडिंग तो स्ट्रिक्ट था बहुत ही स्ट्रिक्ट था आई वुड से दैट बट इंडिया में क्या होता है कि डे बिफोर द एग्जाम पढ़ के जाओ हो जाता है बहुत कुछ uh, ये यस आपको पता होगा वो आईआईटी हो वो एनआईटी हो वो कोई भी आप कॉलेजेस लो वो हो जाता है डे बिफोर द एग्जाम आप अगर हाँ मतलब आपको पूरा हाई पॉइंट चाहिए तो नहीं खो सकता है लेकिन अगर डिसेंट मार्क्स चाहिए तो हो जाता है लेकिन यहाँ नेदरलैंड में होता नहीं है बिकॉज यू हैव टू समिट असाइनमेंट्स एंड वो आपको पढ़ना पड़ता है एंड अगर आप पढ़ते नहीं हो तो ग्रेड बहुत घटिया रहता है एंड कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में क्या होता है कॉम्पेटिव मार्क्स हो जाता है कॉम्पेटिव ग्रेड्स हो जाता है लेकिन आ, मेरे जितना मेरा जितना ओपिनियन है लाइक मेरा जितना कोर्स ग्रेड्स था वो मोस्टली नॉन कम्पेटिव था मतलब वैल्यूज uh, था तो मतलब मतलब में से uh, ऐसा हो सकता है कि ग्रेड मतलब तो टेन में से दिया जाता है में तो ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग सिक्स रखे होंगे तो सिक्स ही मिलेगा ऐसा नहीं है कि uh, बहुत लोग सिक्स रखे हैं तो उसको नाइन दे देंगे एंड देन कंपेयर टर्म्स में डाल देंगे ऐसा नहीं हुआ था एटलीस्ट मेरे केसेस में बट आई डोंट नो अबाउट द अदर ब्रांच या uh, yeah, uh, ये भी भी बताना चाहूंगा कि में में से Netherlands में, आप हो तो पता होगा टेन में से नाइन रखना कितना डिफिकल्ट इट्स जस्ट टू टू मच डिफिकल्ट टू क्रॉस नाइन वेरिकेट एट रखना उससे थोड़ा कम डिफिकल्ट होगा बहुत लोग रख देते हैं एंड देन सिक्स तो पास 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 मार्क होता है uh, mm -hmm. तो हाँ मतलब हम लोग के टाइम भी वही कि ग्रेटर देन इक्वल टू एट भी कभी कभी मुश्किल लगता था कुछ कोर्सेज में तो ऑब्वियसली सही बात है एंड जो आप टीचिंग असिस्टेंट के बारे में पूछे थे तो यहाँ पे करेक्ट मतलब बोल सकता हूँ कि अगर आपका ग्रेड एट से ज्यादा हो और मोस्ट केसेस नाइन से ज्यादा नाइन के आसपास हो मतलब नाइन या आसपास मतलब यहाँ पे डिस्क्रिट ग्रेड्स होता है तो एट नाइन 7 ऐसा रहता है तो नाइन के आसपास हो तो प्रोबली यू विल गेट टीचिंग असिस्टेंट पोसेस पोजिश, पोजीशन जब अप्लाई करते हो एंड या एंड आल्सो मैं बो, बोला नहीं एक्चुअली मैं भूल गया था कि टीचिंग असिस्टेंट में भी आपको बहुत अच्छा पे uh, मिलता है एटलीस्ट दो मैंने तो 2018 20 में मास्टर्स किया था तो उस दौरान लाइक आई थिंक 16 यूरोस पर आवर मिलता था 16 और 7 दस तो, if you want, you can work. Yes. और फाइनली ये क्या बोलते हैं स्टडी ग्रुप ऐसे कुछ था आपके प्रोग्राम में मतलब जो सपोज एसोसिएशन टाइप की कहीं मिल के घूमने गए या कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया या आपके डिपार्टमेंट में

अरे बॉस मतलब इससे पता चल रहा है कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है दिन रात एक करके तो टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है हाँ आई मीन वहाँ पे लाइक पता नहीं मैं तो इतना अच्छा नहीं था पर आप बट मैं प्रोबेबली बुकवाम जैसा था <laughs> तो मैं मोस्टली कोर्स कोर्स का काम करता था एंड देन बैक टू हां मैं लाइब्रेरी बैक मतलब लाइब्रेरी या घर ऐसा बैक बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ होता था एंड ठीक uh, है या बंद कीजिए तो चलिए खर्चे पे आते हैं अगर किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है ऑबवियसली ईयर प्राइस इंक्रीज होता है बट uh, कितना खर्चा एक्सपेक्टेड रहेगा पढ़ने में प्लस आ, आपका मतलब जैसे आपने अभी आप टीचिंग असिस्टेंट का बात किया जो एक टाइप का मतलब फंडिंग अपॉर्चुनिटी है पार्ट टाइम फंडिंग अपॉर्चुनिटी वैसे आ, सपोज आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या पार्ट टाइम जॉब कुछ कर रहे हैं तो उसमें कैसा क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और कितना कमा सकते हैं तो ये दो चीजों पे मेन बात करना मतलब

30, 30, 30, 34, के अंदर आता है आ, 34 उस टाइम में में था ना अभी अभी मैं मैं भी exactly नहीं जानता मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन या या फिर पे रहेगा क्योंकि last year 18, 19 कुछ था आ, तो इस okay. ईयर काफी इंक्रीज हो रहा है तो ओनली ट्यूशन फीस आपका चालीस हजार या थर्टी एट थाउजेंड यूरो में डाल दूंगा एग्जैक्ट Uh, हो जाएगा और बाकी लिविंग तो एवरेज में ऐसे ही दस बारह हजार यूरो मतलब बारह हजार यूरो तो नहीं होगा बट डिपेंड करता है रेंट पे तो आठ दस हजार यूरो तो हो जाएगा पर ये हाँ आपका वीडियोस भी है वो आई थिंक हाँ वो टैग कर देंगे आप और <laughs> <laughs> बाकी कंटिन्यू कीजिए फंडिंग अपॉर्चुनिटी जैसे दो टाइप का बोले आप बताए मतलब एक तो कोर्स में आप इंटर्नशिप कर सकते हो तो उसमें तो आपको पैसा मिल सकता है इंटर्नशिप अगर यूनिवर्सिटी के अंदर करते हो तो पैसा नहीं मिलता है इफ़ यू डू एन इंटर्नशिप नॉट अब्रोड लाइक आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइक इन सम कंपनीज लाइक समीज एंड नियर बाई लाइक फिलिप्स ए इन लोगों में करते हो तो आपको पैसा मिलता है विच इज लाइक फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड इन बिटवीन फाइव हंड्रेड टू वन थाउजेंड डूरोज पर मंथ एटलीस्ट वो मेरे टाइम पे था अभी का मुझे पता नहीं है uh, दूसरा ऑप्शन है कि आप uh, Uh, करिकुलम में होता है या आप मास्टर हो तो सेकेंड ईयर uh, uh, में और एक अपॉर्चुनिटी भी होता है जो है टीचिंगयर में ग्रेड्स अच्छा रहता है तो उस कोर्सेज में आप टीचिंग असिस्टेंट बन सकते हो जिसमें आपको पैसा मिलेगा एंड हम जैसे बोला लास्ट uh, में लास्ट क्वेश्चन में लाइक आपको Uh, आपको मिलता है एंड अब वीक में जितना काम करते हो उतना मिलता है अप टू आवर्स मैक्सिमम एंड फर्स्ट ईयर में जब आता है टीचिंग असिस्टेंट इतना कॉमन नहीं होता है क्योंकि आप कोर्स में बिजी रहते हो एंड इंटर्नशिप भी उतना कॉमन नहीं होता है क्योंकि फर्स्ट ईयर के कोर्स में रहता नहीं है uh, लेकिन आप साइड जॉब्स कर सकते हो लाइक like बहुत सारे दोस्त मेरे मेरे दोस्त साइड जॉब्स करते थे लाइक like, uh, जो थो के लिए काम करते थे uh, और बहुत सारे एजेंसीज जो इनके लिए काम करते थे

मेरा मतलब मैं फर्स्ट ईयर में तो कुछ कर नहीं रहा था लेकिन सेकंड ईयर में मैंने इंटर्नशिप कर रहा था सीमेंस में एंड uh, uh, उसमें से मुझे कुछ पैसा मिल रहा था एंड देन uh, uh, मैं पार्ट टाइम लाइक टीचिंग असिस्टेंट था ओवर लाइक सेवन और एट मंथ्स एंड द थिंग है कि अगर मैं इसलिए बोला कि आप जो कोर्सेज में किए हो

फिर अपना मास्टर्स डिग्री भी कर रहा है बट बिकॉज उसको पैसा चाहिए वो कर रहा है देन मतलब कोई इफेक्ट होता है क्या ऐसे अगर मतलब आ, अपने स्टडी आवर्स और इसमें क्योंकि ऑलरेडी टाइट है काफी आई डोंट हैव पर्सनल ओपिनियन अबाउट इट बिकॉज मैंने खुद नहीं किया था वो लेकिन मैं देखा तो दोस्त लोग किए थे एंड आई मीन उतना अफेक्ट नहीं हुआ था उनको जितना मैं सोच मतलब अब जितना जनरल आप जितना, जितना सोच सकते हो कि टाइम नहीं मिलेगा बट uh, अगर अफेक्ट होता है देन यू आर फ्री टू लिव इट इन बिटवीन इफ यू वांट ओके तो चलिए अभी मेन पॉइंट पे आते हैं जो सब लोग हमेशा क्यूरियस होते हैं पढ़ने से पहले सोचते हैं कि क्या जॉब करेंगे तो <laughs> आ, मतलब ये आपके प्रोग्राम में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है मास्टर्स के बाद नेदरलैंड्स में हो या यूरोप में हो कौन से कंपनीज जनरली हायर करते हैं क्या आपका एक्सपीरियंस है मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में इस फील्ड में एंड uh, ये um, yeah, मतलब ऑटोमोटिव काइंड ऑफ वन में बहुत फेमस होता है तो उसके उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत होते हैं आई मीन देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ जॉब्स अराउंड द इंडोवन ओनली तो इफ यू सी अराउंड द इंडोवन इवन इफ आप ऑटोमोटिव बैकग्राउंड को हो तो आप एएसएमएल में जा सकते हो फिलिप्स uh, में भी जा सकते हो आई नो सम फ्रेंड्स में जा सकते हो डैफ uh, ट्रक्स है ई um, बॉस e को एक कंपनी है वहाँ पे है एंड देन पास में जर्मनी है तो जर्मनी में यू नो इट्सिव हब ऑफ यू कैन सेर वर्ल्ड वहाँ पे बहुत सारा कंपनीज है मर्सिडीज से लेके बी एमडबल्यू तक बहुत सारे कंपनीज हैं एंड uh, और बहुत ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि वॉल्व सॉरी ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे वॉल्बो का रहता है एस एम एल का रहता है टी एन ओ का रहता है आई थिंक everyone should keep a look at those things because uh, वहाँ पे बहुत सारे T U Eindhoven के बच्चे जाते हैं like I know a couple of people who have gone to Volvo Growth uh, I mean who have been inducted in Volvo Graduate Program same goes for T N one same goes for A S M L and uh, yes uh, तो वो रहता है दूसरा option है कि अगर आप job नहीं करना चाहते हो तो P H D करते हो uh, uh, then P H में

पहली बार देख रहे हैं या जानते नहीं है मैं चैनल में बहुत बार बोला हूँ कि मोस्ट ऑफ़ द प्रोग्राम जो पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे वो फुल्ली फंडेड जस्ट लाइक ए जॉब होते हैं उसीलिए वो जॉब में वो मेंशन कर रहा है पीएचडी के बारे में इन रिलेशन टुगेदर विद अदर जॉब्स इन कंपनीज कमिंग बैक मतलब वापस आते हुए आपके मास्टर्स में एक चीज हमने मिस कर दिया कि थीसिस के बारे में जनरली हमेशा हर मास्टर्स प्रोग्राम में एक थर्टी या फोर्टी फाइव या सिक्सटी डिफरेंट क्रेडिट्स का एक थीसिस रहता है जो एक टाइप ऑफ रिसर्च रहता है मे बी इन ओनली यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कोलेबोरेशन या फिर मे बी इंडस्ट्री तो उसमें भी मैंने सुना है कि कोई कोई लोग ओनली इंडस्ट्रियल थीसिस करते हैं बट यूनिवर्सिटी में भी एक सुपरवाइजर रहता है उनको भी कुछ पैसा मिलता है एंड आई मीन दैट इज़ अनदर फंडिंग अपॉर्चुनिटी और उसके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है मतलब थीसिस का आप क्या बताना चाहते थीसेस में क्या स्पेसिफिक चीज ध्यान में रखना चाहिए जस्ट शॉर्टली मतलब मेनली कवरिंग की क्या होता है थीसेस क्या करते हैं आपको कितना टाइम लगा था कितना क्रेडिट्स था आपके प्रोग्राम में एंड प्लस पैसा कैसा था इंडस्ट्री था या कैसा था पहला चीज तो थीसिस एक मैंडेटरी पार्ट रहता है मोस्ट ऑफ द मास्टर कोर्सेस यूएस में वो रहता नहीं है आई आई मीन मीन देयर आर प्रोग्राम्स इन यूएस वेयर इट इट इज इज नॉट मैंडेटरी मैंडेटरी बट हियर एटलीस्ट मेरे प्रोग्राम में 45 क्रेडिट्स रहता है तो 120 क्रेडिट्स में 60 क्रेडिट्स पहले कोर्स वर्क रहता है 15 क्रेडिट्स पहले मास्टर्स का इंटर्नशिप रहता है फिर 45 क्रेडिट्स इट्स फॉर मास्टर थीसिस एंड इन दैट मास्टर थीसिस यू हैव टू परफॉर्म सम ओरिजिनल रिसर्च एंड uh, वो फिर थी uh, आप कहीं पे भी कर सकते हो लाइक आदर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट विच इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन द यूनिवर्सिटी लाइक कोई पी एच डी पार्ट का प्रोजेक्ट बन सकते हो या आप इंडस्ट्री में कर सकते हो जैसे आप बोले एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स मिलता है तो अप्लाइड प्रोजेक्ट्स सर्टनली मिलता है uh, अगर टी एन ओ वगैरह में मिलता है तो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी मिलता है बट एनीज इंडस्ट्री में भी जो मिलता है वो अप्लाइड रिसर्च प्रोजेक्ट मिलता है एंड जो सुपरवाइजिंग का पार्ट बोल रहे थे आप जब आप इंडस्ट्री के पार्ट रहते हो तो इंडस्ट्री में आपको एक सुपरवाइजर मिलता है लेकिन आपका यूनिवर्सिटी में एक सुपरवाइजर गारंटेड रहेगा जैसे मेरे प्रोग्राम में मेरा एक यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर था इनफैक्ट टू यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर थे एंड एक इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल सुपरवाइजर थे एंड uh, तो रेगुलर मीटिंग्स रहता है एंड आई थिंक क्वाइट स्ट्रेसफुल पीरियड क्योंकि वहां पे आप ओरिजिनल रिसर्च

तो so, ऑलमोस्ट uh, दो साल हो गया उसको तो mm तो -hmm. so, so मैंने 19 में स्टार्ट किया था मास्टर्स इंटर्नशिप में एंड देन uh, मेरा मास्टर्स इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ उनको अच्छा लगा तो मुझे फिर से थीसिस के लिए भी वो मुझे इंडक्ट किया एंड सेम पे स्केल होता है इंटर्नशिप थीसिस मतलब चीप लेबर होता है एक टर्म पे क्योंकि कम <laughs> पैसे से बहुत काम करवा देते हैं बट यस बट ऑन द अदर साइड यू गेट गेट टू लर्न अ लॉट बिकॉज़ आप इंडस्ट्री के साथ काम करते हो ठीक है आ, आपके मतलब जो प्रोग्राम था उसमें इंडियन स्टूडेंट्स कितने थे आपका एक्सपीरियंस क्या है मतलब इंटरनेशनल इंडियन का मिक्स कैसा था आपने क्या देखा है आई थिंक नेदरलैंड्स में सब यूनिवर्सिटी का वही रूल रहता है कि फिफ्टी परसेंट आई थिंक इंटरनेशनल होना चाहिए फिफ्टी परसेंट उनके लाइक like, खुद के नेशनल लाइट होना चाहिए uh, जो फिफ्टी परसेंट इंटरनेशनल थे उसमें सिर्फ नाइन फाइव परसेंट इंडियन थे ये तो रियलाइज किया था कोई एक चीज जो आपको काफी अच्छा लगा अपने प्रोग्राम में और कोई एक चीज जो काफी बुरा लगा uh... अच्छा अच्छा बहुत चीज लगा था तो लाइक like, uh, मेरे लिए कंप्लीट स्ट्रीम चेंज था तो मैं बहुत कुछ सीखा ग्रुप एक्सपीरियंस वगैरह ये ये रेगुलरली देखने को मैं नहीं मिलता है एंड लाइक डाइवर्सिटी इन द ग्रुप वो बहुत अच्छा था एंड आई थिंक आईन मे ऑटोमोटिव वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है आई मीन आई एटलीस्ट जो डिफरेंट एरिया में मास्टर्स किए थे देखा हूँ अलग अलग कंट्री में इतना स्ट्रक्चर नहीं होता जितना नहीं लगा एक्चुअली नहीं बोल सकता हूँ अच्छा नहीं लगा वो था कि आई थिंक वो मेरे मतलब आई कैन ओपिनियन की फर्स्ट ईयर में कोर्स वर्क कंप्लीट हो सकता है सिक्स क्रेडिट्स बट नेक्स्ट ईयर में जो क्रेडिट रिमेनिंग क्रेडिट क्रेडिट्स में आपको पंद्रह क्रेडिट मास्टर्स इंटर्नशिप और फोर्टी फाइव क्रेडिट्स मास्टर थीसिस करना होता है वो एक साल में करना बहुत डिफिकल्ट होता है एंड अगर आप एक साल में कंप्लीट नहीं करते हो देन यू हैव टू पे अ लॉट आफ्टर आफ्टर योर सेकेंड ईयर विच मीन्स एक महीने के लिए आपको तीन हजार साढ़े तीन हजार आज के रेट में देना पड़ेगा विच इज अ लॉट ये तो ये बात से तो मैं पूरा एग्री करता हूँ क्योंकि हमारा भी टू सेवेंटीन जब मैंने मास्टर्स किया था ट्यू डेल्व से फोर्टी फाइव ईसीडी थीसिस था और फिफ्टीन ईसीडीएस कोर्स था सेकेंड ईयर में और मैं लकीली कैसे एडजस्ट हो गया मैं ट्राई करके फर्स्ट ईयर में ही सेवेंटी फाइव खत्म कर दिया था अदरवाइज वो पंद्रह ही सीरीज के साथ थीसिस करना काफी मुश्किल होता क्योंकि मैं ऑलरेडी बिफोर टाइम थीसिस स्टार्ट करके भी मुझे एक साल लग गया जो नाइन मंथ्स में होना चाहिए सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यस yes, now, वो मेरे केस में भी था लाइक like, मैंने सेवेंटी फाइव क्रेडिट्स कंप्लीट नहीं किया था सिक्सटी किया था लेकिन आप अगर सोचोगे कि हाँ लाइक like, uh, आप सिक्सटी क्रेडिट्स कंप्लीट इधर की एंड सिक्सटी क्रेडिट्स कंप्लीट इंटर्नशिप एंड थीसिस करके एक साल में कंप्लीट कर दोगे देन यू आर लिटिल बिट बिकमिंग बिकॉज मैंने समर वैकेशन नहीं लिया था तो मेरा कोर्स खत्म हुआ उसके पाँच दिन के बाद मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ था एंड देन मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ जस्ट उसके दस या पंद्रह दिन के अंदर मेरा थीसी स्टार्ट हुआ था सो so, मतलब पूरा नेक टू नेक था और मैंने दो दिन पहले डिफेंड किया था मतलब दो साल कंप्लीट होने से पहले सो so,

Uh, आप क्या मतलब शेयर करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ वेल uh, well, um, um, हालांकि मैं जो बोला कि बहुत सारे कंपनीज है लेकिन उसमें जॉब मिलना इतना इजी भी नहीं है जितना uh, सोचते हैं लोग कि जस्ट अप्लाई की एंड हो गया uh, पहला बात तो मेरा एक्सपीरियंस का बात करूं तो मैं आज तक भी वही सोचता हूं कि वाज़ uh, इट कि मैंने कुछ गलती किया था ऑब्वियसली मैंने कुछ गलती किया होगा लेकिन या उस टाइम पे कोविड चल रहा था तो उसके वजह से भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था तो आई एम नॉट श्योर लाइक व्हाट व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बट यस मुझे आई मतलब फाइनल एक्सेप्टेंस मैंने स्टार्ट किया था जॉब अप्लीकेशन पहला चीज मुझे पीएचडी करना था पहले से एंड आई वॉज कम्प्लीटली टू डू इट तो मैंने अपना पीएचडी एच डी अपलिकेशन अराउंड मई के महीने में स्टार्ट किया था एंड मैंने ग्रेजुएट किया था अगस्त में मैं तो मुझे जून में पहला इंटरव्यू आया था फिर इंटरव्यू में मेरा रिजेक्शन आया एंड देन फिर मैंने अप्लाई करते गया करते गया बट तब कोविड का वे बढ़ता गया बढ़ता गया तो आप तो नंबर ऑफ़ पोजिशन इवन दो सेम थे लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेट्स बढ़ गए क्योंकि लोगों को भी जॉब जब मैं मिल नहीं रहा था वो पी के लिए अप्लाई कर रहे थे तो वो पी एच डी एप्लीकेशन बहुत चैलेंजिंग होने लग गए तो मुझे सेप्टेम्बर में कुछ भी इंटरव्यूज नहीं मिला था अक्टूबर में कुछ भी नहीं मिला था तो मैं थोड़ा टेंस्ट हो गया तो देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स अराउंड क्योंकि हमारा रहता है कि जो वीज़ा रहता है वो एक्सटेंशन के बाद भी मैक्सिमम एक साल होता है उससे ज़्यादा नहीं होता है तो मेरे पास टाइम था नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक एंड ये मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी तक तो मैं अप्लाई करना स्टार्ट किया था मैंने यूएस में भी बहुत जगह अप्लाई किया था आ, आ, मतलब पी के लिए मुझे एक्सेप्टेंस आया लेकिन वो बाद में आया आ, एंड uh, जब नेदरलैंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं बहुत जगह लाइक like, कंपनीज में अप्लाई किया था डाफ में हो ई बॉस को एस एम एल फिलिप्स टी एन ओम इवन स्वीडन में भी वॉल्बो बहुत जगह अप्लाई किया था एंड uh, पहले पहले दिन में कुछ भी नहीं आ रहा था फिर ऐसा हो रहा था कि इंटरव्यू आ रहा है एंड देन बाद में जाके कट जा रहा हूँ फिर आया कि इंटरव्यू वो स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस होता है लेकिन द होल प्रोसेस में एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि नथिंग इज इजी तो इवन दो आप आ, ऐसा हो कि आप बहुत हो एंड होर यू आर यू यू फिट फॉर द पोजिशन लेकिन वो आपके पर्स्पेक्टिव से होता है वो जॉब मार्केट के परस्पेक्टिव से हो सकता है कि नहीं वो वो जॉब बेहव्य के ऊपर डिपेंड करता है एंड ऐसा भी बहुत टाइम हो सकता है कि आपको जॉब नहीं मिले क्योंकि uh, और किस और कोई आपसे थोड़ा आई बिट मोर टैलेंटेड हो या आई डोंट नो कुछ भी फैक्टर हो सकता है तो वो मतलब ऐसा मान के मत आइए कि आप यहाँ पे आ गए मास्टर्स कम, कंप्लीट कर दिए तो जॉब मिल जाएगा यू हैव टू मतलब उतना एफर्ट और जॉब मतलब जॉब जॉब सर्चिंग तो आपको आ, वो वो रेगुलरली कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा अंटिल यू गेट ए जॉब एंड कोविड के टाइम पे मुझे तो छह सात महीने लगा था अभी मुझे पता नहीं बट hmm. मेरे बहुत सारे दोस्त है जो दो महीने तीन महीने में भी उनको जॉब लग गया था स्वीडन में मतलब फाइनली पीएचडी मिल गया जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उनका एक्सपीरियंस पीएचडी कैसा चल रहा है स्वीडन में अभी हम स्वीडन से एक्चुअली बात करें मतलब मैं जर्मनी में हूँ वो स्वीडन में है

बिकॉज uh, वो कोविड टाइम था तो uh, I mean, उस respect लोगों को लगे कि मतलब जैसे दिख रहे हैं वैसे ही है काफी जवान गरम खून के मतलब uh, वो, वो रहना भी पड़ना पड़ेगा पढ़, क्योंकि पीएचडी के लिए वैसा चाहिए बट एनी वैसा

Uh, वो पी एच डी हो मास्टर्स हो जॉब हो वेल बिफोर टाइम क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो को आता है वो दे जस्ट एंड ये मेरा ओपिनियन है कि हाँ आप जितना जल्दी अप्लाई करते हो उस केसेस में आपको उतना एक्सेप्टेंस जल्दी मिलता है क्योंकि यहाँ पे रोलिंग एडमिशन होता है एंड बाकी चीज है कि आप अगर वास्त के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच के नहीं किया था कि जहाँ पे आप थोड़ा, हो सके, थोड़ा दोस्त बना सके सोशलाइज हो सके मैं तो मतलब मैं सोशलाइज हुआ हूँ रिलैक्स हुआ हूँ बट उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था आई गेस बस इतना ही आई गेस एंड बाकी एंजॉय करो उस पढ़ाई को क्योंकि इसलिए आप mm. आयो बार नहीं चलिए अच्छा है मतलब आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे टच किया जो आपका एक्सपीरियंस था तो मतलब थैंक यू धन्यवाद ये वीडियो बनाने के लिए मेरे साथ <laughs> तो आप पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं मैं पहले नेदरलैंड्स में था अभी मैं जर्मनी आ गया तो मैं जर्मनी में हूँ स्वीडन में है लगाओगे हो इन्फॉर्मेटिव होगा हो वीडियो जिसमें हम टी एंड के मास्टर्स आ, मतलब स्टडी कैसा है जॉब्स कैसा है एक्चुअली uh, टाइटल में हमने सैलरी लिखा है बट पूछा नहीं कभी भी कि जॉब्स सैलरी कितना <laughs> तो उसके बारे में एक कुछ वर्ड बता दीजिए रेंज कैसा रहता है अगर मास्टर्स के बाद कोई विदाउट एक्सपीरियंस जॉब अप्लाई करता है और जॉब मिलता है तो सैलरी रेंज कैसा रहता है

प्रोबली आफ्टर टैक्स थ्री थाउजेंड तो मिली मिली जा आई थिंक मिलता है टू ट्वेंटी में मिलता होगा uh, अभी का मुझे पता नहीं कितना मिलता है uh, बॉश हो या टीएनओ हो या ई बॉश ये सब जान करते हो तो आई थिंक मिनिमम पे तो लाइक ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मिल मिलता ही है वीडियो को दूसरों के साथ देखिए घर में बैठ के और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू अभिजीत वीडियो में आने के लिए और अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम ब्रेक के बाद बात करेंगे अभिजीत के साथ जिसमें वो अपना अभी अभिजो फ्रेश स्टार्ट किया है उन्होंने स्वीडन का पीएचडी कैसा रहा वो दूसरे वीडियो का मेन मुद्दा है तो दूसरे वीडियो में वो बात करेंगे ठीक है चलिए पीस फ्रॉम जर्मनी peace from sweden